बेटे देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के टेबल्स में हमने लास्ट कॉलम में अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ सेल्फ वाले वर्ड लिखे थे, और सेल्फ वाले वर्ड के ऊपर हमने दो हेडिंग्स दी थी। पहली हेडिंग हमारे पास थी रिफ्लेक्सिव और दूसरी हेडिंग थी हमारे पास इम्फेटिक। और मैंने ये कहा था कि आप इनको टेबल में शामिल कर लें, लेकिन इन दो टर्म्स को जो इम्फेटिक प्रोनाउन्स है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हम इनको बाद में डिफाइन करेंगे, बाद में इसको इलेबोरेट मैं कर दूंगा। देखिए, अभी तक जो हमने नाउन की काइंड पढ़ी, वो फर्स्ट काइंड हमने कौन सी पढ़ी है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन को हमने बोला है जी, पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या है? जो प्रोनाउन पर्सन्स के लिए यूज कराते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड जो अभी बेटे हम देख रहे हैं वो हमारे पास है इम्फेटिक, और थर्ड जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव। यहां पर मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि ये डिफरेंट वर्ड नहीं है, यूजेज डिफरेंट होता है सेंटेंस में, पोजीशन इनकी डिफरेंट होती है, लेकिन इन ये वर्ड डिफरेंट नहीं है। जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन है या जितने भी सेल्व्स वाले प्रोनाउन है, जैसे योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्व्स भी होता है, देम सेल्व्स होता है, आर सेल्व्स होता है, तो सेल्फ वाले या सेल्व्स वाले जितने भी वर्ड है वो इम्फेटिक होते हैं और रिफ्लेक्सिव होते हैं। इन्हीं सेल्फ वाले वर्ड को हम इम्फेटिक बोलते हैं, और इन्हीं सेल्फ वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा। हम पहले रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करेंगे। देखिए, अभी मैं सेंटेंस बोलता हूं, शी शॉट फुल स्टॉप। यहां पर मैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट शामिल नहीं कर रहा, मैंने सेंटेंस में सिर्फ दो चीजें शामिल की, सब्जेक्ट और वर्ब। मैं बोलता हूँ शी शॉट, उसने गोली मारी। किसको गोली मारी ये बात अभी हमें कोई पता नहीं है, सेंटेंस खत्म हो चुका हमारा। इसमें हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, उसने गोली चलाई, यहां तक बात खत्म हुई। अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट इंड्यूस कर रहा हूं, मैं बोलता हूँ शी शॉट हर मदर इन लॉ, वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं, शी शॉट हर मदर इन लॉ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? शी, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हर मदर इन लॉ। एक्शन शॉट हुआ यहां पे, ठीक है। अभी इसी सेंटेंस को मैं तीसरी तरह से लिखता हूं, मैं बोलता हूं शी शॉट हर सेल्फ। इसमें आप देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, और ऑब्जेक्ट भी क्या है? शी, लेकिन हमें कौन सा वर्ड ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट शी है? हर सेल्फ। इसको हम बेटे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब सेल्फ वाले वर्ड्स हमें सेंटेंस में ये बताते हैं कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, जब काम करने वाले पर ही काम हो रहा है, जब सेल्फ वाला वर्ड जो एक्शन है उसको फॉरवर्ड करता है दोबारा उसकी सब्जेक्ट की तरफ, तो तब हम सेल्फ वाले वर्ड को बेटे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। याद रखिएगा, सिंपल डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जब सेल्फ वाले वर्ड हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, तो तब इन सेल्फ वाले वर्ड्स को बेटे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स बोलेंगे। जैसे अगर आप इस सेंटेंस में मुझसे पूछेंगे कि सर इसमें हर सेल्फ क्या है, तो मैं विदाउट एनी डाउट बोलूंगा कि बेटे ये सेल्फ का वर्ड हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मामले में आपने दो रूल याद रखने हैं और कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास, दो रूल हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तब तक उनका मीनिंग उनकी बात क्लियर नहीं होगी। और ये वर्ड आपने याद रखने हैं, ये वर्ड आपके पास कौन कौन से हैं? अवेल, एब्सेंट, इंजॉय, एवेंज, रिजाइन, अप्लाई, एग्जर्ट, बिटेक, डिमीन, ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक को इसको आप ये मतलब देख लें, इसको आप किस मीनिंग में यूज होगा ये हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल, अभी जो आपके पास वर्ड है अवेल, एब्सेंट, इंजॉय, एवेंज, और यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे ड्रिंक का मतलब कि फिजिकली किसी चीज को पीना नहीं है। यहाँ पे ड्रिंक का मतलब क्या है? एक जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, अंदर से इंसान को कुछ चीज होती है वो खा जाती है, जो डिप्रेशन होती है, किसी परेशानी होती है,
ठीक है, उसके लिए हम ड्रिंक का वर्ड यूज करेंगे. अवेल, एबसेंट, एबसेंट, इंजॉय, एवेंज, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट, बिटेक, डिमीन एंड ड्रिंक. अभी देखिए जरा एग्जाम्पल को देखिएगा. यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. अगर हम इसको लिखेंगे अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी तो ये सेंटेंस क्या होगा? इनकरेक्ट होगा. इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा? यू शुड अवेल योर सेल्फ. बिल्कुल इसी तरह एबसेंटेड फ्रॉम स्कूल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एबसेंटेड हिमसेल्फ. इन वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना और याद रखना है कि इन वर्ड के बाद हमें लाजमी तौर पर सेल्फ का वर्ड यूज़ करना होता है. इसमें से फ़िलहाल के लिए ये वर्ड मुझे परेशान कर रहा है, इस वर्ड को फ़िलहाल आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे. ठीक है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके. सर थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा बेटे. थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? वी वेंट देयर एंड एंजॉयड वेरी मच. इंजॉय के लिए आपने दो फॉर्मेट याद रखने हैं सेल्फ वाले केस में. देखिए ये मैं एक्सप्लेन यहाँ पे लाजमी करना चाहूँगा. अगर इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आपने सेल्फ का केस यूज़ नहीं करना है. आपने सेल्फ का केस यूज़ नहीं करना है. जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वी इंजॉयड द मैच. जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ वी इंजॉयड द मैच, इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट लिखा. जब मैंने ऑब्जेक्ट लिखा तो फिर मैं इंजॉय के साथ सेल्फ का केस नहीं लिखूंगा. लेकिन अगर इंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो तब आपने इसके साथ सेल्फ का केस लिखना है. जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूँ वी इंजॉयड देयर. अब देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर प्लेस है. तो दे इंजॉयड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकता. मुझे क्या लिखना होगा? वी इंजॉयड आर सेल्व देयर. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो तब आप डेफिनेटली उसके साथ सेल्फ का वर्ड लिखेंगे. अदरवाइज आप सेल्फ का वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर आप सेल्फ का वर्ड नहीं लिखेंगे. याद रखिएगा ये इंजॉय वाले मामले में आपने याद रखना है. वी वेंट देयर एंड इंजॉयड वेरी मच. अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इंजॉयड वेरी मच नहीं लिख सकते. हमें क्या लिखना होगा? वी इंजॉयड आर सेल्फ वेरी मच. इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल देखिएगा. ही विल एवेंज ऑन. एवेंज ऑन नहीं होगा बेटे बल्कि क्या होगा? एवेंज हिमसेल्फ. इसी तरह देखिएगा रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट. रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट नहीं होगा बल्कि बेटे क्या होगा? ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट. आपने याद रखना है इन वर्ड्स को, लिख लीजिएगा. मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ड्रिंक के वर्ड को इसमें शामिल नहीं कीजिएगा. फिलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दे दूंगा. अभी तक आपने जो वर्ड याद रखने हैं वो है अवेल, एबसेंट, इंजॉय, एवेंज, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट, बिटेक एंड डिमीन. इन सब वर्ड के साथ आपने सेल्फ का केस लिखना है, रिफ्लेक्सिव केस लिखना है. लेकिन इंजॉय के साथ आपने याद रखना है. अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर आपने उसके साथ सेल्फ का केस नहीं लिखना, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने उसके साथ सेल्फ का केस लिखना है. उसके बाद बेटे देखिएगा, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी सिनेरियो में जाके सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करते हैं. और वो वर्ड आपके पास आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं. इसी तरह इसको आपने इनको लिख लेना और याद रखना है कि बैथ, एक्विट, कंसंट्रेट, फील, रिलैक्स, डैश, मीट, मूव, ओपन, स्प्रेड, टर्न, ड्रा, रेस्ट, रोल, इनलिस्ट, क्वालिफाई, स्टेल, ब्ला ब्ला, जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड आपने लिस्ट बना के अपने पास याद रखने हैं. एग्जाम्पल देख लीजिएगा. वी शुड कीप योर सेल्फ अवे. वी शुड कीप योर सेल्फ अवे नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? वी शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड कंपनी. आर सेल्फ, योर सेल्फ का वर्ड यू के साथ हम नहीं लिखेंगे. उसके बाद वी बैथ आर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता बल्कि हमें क्या लिखना होता है? वी बैथ एवरी मॉर्निंग. और यहाँ पे नाउन के रूल्स में जो वर्ड चॉइस वाला पेज था उसमें दो एडिशन कर लीजिएगा. एक वर्ड बेटे आप हमारे पास होता है बी ए टी एच ई, और एक वर्ड हमारे पास होता है बी ए टी एच. बी ए टी एच जो बेटे हमारे पास होता है वो नाउन होता है, याद रखिएगा. और बी ए टी एच ई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास दो वर्ड होते हैं बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ, और सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या होता है? बी आर ई ए टी एच, ब्रेथ.
दोनों में ई वाला हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है, और ई के विदाउट वाला हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। ये दो वर्ड आपने ऐड कर लेने हैं अपने वर्ड चॉइस वाले पेज में, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वर्ब नाउन का। वी बैथ आवरसेल्व्स एवरी मॉर्निंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वी बैथ एवरी मॉर्निंग। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, ही वाज एक्विटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द चार्ज, ही वाज एक्विटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द चार्ज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ही वाज एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ आपने किसी भी सिनेरियो में जाके सेल्फ का वर्ड यूज नहीं करना है, इन सारे वर्ड को आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। दो लिस्ट आपके पास बनेगी, एक के साथ आप सेल्फ का केस लिखेंगे और एक के साथ आप सेल्फ का केस नहीं लिखेंगे, और जिनके साथ आप सेल्फ का केस लिखेंगे उसमें आपने इंजॉय का वर्ड याद रखना है। अगर इंजॉय के वर्ड के साथ सेल्फ का वर्ड आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर आपने सेल्फ नहीं लिखना, और अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर आपने उसके साथ सेल्फ का वर्ड लिखना है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के दो रूल्स के बाद जो हमारे पास काइंड है वो हमारे पास है इम्फेटिक। देखिए इम्फेटिक का एस एच इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी रूल किसी भी सूरत में नहीं है, मां सिवाय आप एक एक तरह की डेफिनेशन के आप इसको समझ लेंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे अगर हम किसी पे कोई स्ट्रेस दे रहे हो, अगर हम किसी पे कोई एम्फोसिस कर रहे हो कि ये काम वाकई इसने किया है, ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट की तरफ से हुआ है, जब हम इस बात पर स्ट्रेस देते हैं। लाइक अगर मैं अक्सर क्लास में तो हमारे पास फिजिकल क्लास में तो हमारे पास टाइम होता है तो हम उसमें बताते हैं बकायदा तौर पे कि हमारी बात होती है एम्फेटिक पे, जब भी बात होती है कि ट्यूशन वाली बाजी मारा करती थी, और ट्यूशन वाली बाजी मारा ये करती थी कि तूने काम किससे करवाया, तो होमवर्क जो थी यार बाजी को उम्मीद नहीं होती थी कि मैं काम कर लूँगा, तो बाजी कहते तूने काम किससे करवाया बता, तो मैंने काम खुद किया है। तो जब हम बोलते हैं कि मैंने काम खुद किया है, सब्जेक्ट ही काम एक्चुअल में कर रहा होता है, तो तब हम उसको कौन सा केस बोलेंगे, इम्फेटिक केस बोलेंगे। लाइक अभी देखें अगर हम बोलते हैं शी कुक्ड फूड, अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूं शी हरसेल्फ कुक्ड फूड, अब इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हरसेल्फ का वर्ड स्ट्रेस के लिए यूज हो रहा है कि ये काम वाकई ही इसी सब्जेक्ट ने किया है। अदरवाइज पूरी इंग्लिश ग्रामर में एम्फेटिक प्रोनाउन का आपके पास कोई भी रूल आपको नहीं मिलेगा सिवाय इसके यूज के, या तो ये हमारे पास सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा या हमारे पास कहाँ पर यूज होगा, वर्ब से पहले यूज होगा। और यूज किसके लिए होगा, जब हम बताना चाहेंगे कि ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट ने किया है। ये दो काइंड है बेटे हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए तो हमारे पास दो रूल्स हैं कि इन वर्ड्स के साथ सेल्फ का वर्ड यूज होगा और इन वर्ड के साथ सेल्फ का केस यूज नहीं होगा। इम्फेटिक के लिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी रूल नहीं ऐसे ही बताने वाला, और ना ही कोई बात है नोट करने वाली। सिर्फ इतना याद रखिएगा इम्फेटिक एम्फेसिस के लिए यूज होता है कि ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट में किया है। और बेटे लास्ट में आप एक बात याद रखेंगे, देखिए सिस्टम को थोड़ा सा देख लें, अभी कल के लिए मतलब आज जब ये लेक्चर देख रहे होंगे साथ आपका फिजिक्स और बायो का टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट डे हमारा जो है 19th को आपका केमिस्ट्री और इंग्लिश का टेस्ट होगा, इंग्लिश में आपका प्रोनाउंस होगा। अभी तक के सारे लेक्चर आप देखेंगे इसमें दो बड़े इम्पोर्टेंट रूल्स हमारे सिर्फ रहते हैं, गलबन तीन रूल्स हमारे रहते हैं, उन्हीं तीन रूल्स में बाकी सारी काइंड्स भी डिस्कस होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो हमारे पास है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है, जो कि हमने करना है इंशाल्लाह ताला कल। दो रूल आप देखेंगे कल, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होगा और एक पेज मैं अक्सर बच्चों को लिखवाता हूँ प्रोनाउन्स में, अनयूजुअल यूजेज ऑफ प्रोनाउन। वो कोई रूल तो नहीं है लेकिन वो जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे जो जो केस हमने जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है हम उसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं एक ही पेज पे, ताकि उसको रिवाइज करना और तैयार करना आसान हो। एक तो हमने करना है रिलेटिव प्रोनाउन का केस का रूल, दूसरा हमने करना है अनयूजुअल यूजेज ऑफ प्रोनाउंस, और तीसरा में हमेशा से एक टेबल बनाते हैं जिसमें वर्ड चॉइस होती है प्रोनाउन से रिलेटेड। कुछ प्रोनाउन्स ऐसे होते हैं जो दो सब्जेक्ट के लिए, दो प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं, और कुछ प्रोनाउन्स ऐसे होते हैं जो दो से ज्यादा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल के लिए मैं दो वर्ड बोल देता हूँ। जैसे हमारे पास बिटवीन का वर्ड है, इसका मतलब
बिल्कुल सेम होता है किसका, अमंग का, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बिटवीन दो के लिए यूज किया जाता है और दो से ज्यादा के लिए क्या यूज किया जाता है, अमंग। इसी तरह बोथ का वर्ड और आल का वर्ड, बोथ दो के लिए यूज किया जाता है, आल दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। बिटवीन और अमंग का मीनिंग सेम होता है, बोथ और आल का मीनिंग सेम होता है, लेकिन यूजेज में डिफरेंस ये होता है कि बोथ दो होता है, आल दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन दो के लिए होता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। इसी तरह हमारे पास एक लिस्ट बनेगी जिसमें कुछ वर्ड जो है वो कुछ प्रोनाउन वर्ड वो आएंगे जो दो सब्जेक्ट दो नाउन के लिए यूज होते हैं, और कुछ वर्ड्स हमारे पास वो आएंगे जो दो से ज्यादा नाउन और दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। तीन रूल हमारे रहेंगे। पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का, दूसरा हमारे पास रहेंगे अनयूजुअल यूजेज ऑफ प्रोनाउन्स, और तीसरा हमारे पास रहेगा जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हम एक टेबल बनाएंगे जो दो के लिए यूज होते हैं वो वर्ड्स अलहदा करेंगे दो सब्जेक्ट वाले, और जो दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स दो से ज़्यादा नाउन्स के लिए यूज होते हैं वो वर्ड्स हम अलहदा करेंगे और उनके यूजेज और उनकी एग्जाम्पल देखेंगे। ये तीन रूल आपने टेस्ट वाले दिन आपकी वीडियो अपलोड की जाएंगी आप देख लेंगे, और ये तीन वीडियो आप देखने के बाद आप अपना टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसकी डिस्कशन में जाएंगे। जो कुछ बातें डेफिनेटली ये बात मैं बिल्कुल आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि एक बात आप याद रखेंगे कि बहुत से रूल्स बहुत सी बातें आप टेस्ट की डिस्कशंस में देखते हैं, आपने टेस्ट डिस्कशन किसी भी सब्जेक्ट की हो उसको ज़रा सा भी इग्नोर नहीं करना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर सब्जेक्ट के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक हो गया, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए प्रोनाउन के हवाले से हमारे पास इतना ही है, तीन रूल्स हमारे रह गए उनके साथ इंशाल्लाह ताला कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।